नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नागफनी का पौधा दिखा रहा हूं और इस पौधे के फायदे के बारे में भी बताऊंगा। तो फायदा जानने से पहले दोस्तों, इस पौधे को अलग अलग भाषाओं में किन किन नामों से जाना जाता है वो नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। तो दोस्तों, हिंदी में वज्रकांटा नागफनी और अंग्रेजी में प्रिकली पियर और इसका वनस्पति नाम ओपोनेसिया इलेक्ट्रियोन। तो दोस्तों, इस तरह से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से लोग इस पौधे को जानते हैं। फिलहाल नागफनी के नाम से ज़्यादा करके लोग इसे जानते हैं। तो आज मैं इसी पौधे के फायदे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह पौधा स्वाद में कड़वी, पचने में मधुर हल्का और प्रकृति में बहुत ही गर्म है। इसके कड़ूपन के वजह से शुगर नाश होता है, खून साफ होता है, मधुरपन से पेट साफ होता है, भूख बढ़ता है और गर्मपन से दर्द, सूजन, चोट, मोच और दमा, खांसी में आराम मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह यह बहुत सारे बीमारियों में उपयोग करने वाला पौधा है वज्रकांटा नागफनी। इसका फूल लाल गुलाबी गोल होता है, लेकिन फिलहाल अभी फूल लगा हुआ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे मौसम जब आएगा फूलों का तो वह फूल कहाँ पर लगेगा। देखिए दोस्तों, वो फूल इस कांटों के बीच में लगेगा। उस फूल का रंग गुलाबी होगा, गोल गोल होंगे, ड्रैगन फ्रूट के जैसे होंगे। उस फल के पकने के बाद उस फल को खाने से पीलिया रोग शांत होता है। उस फल के अंदर भी बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन के। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो फूल यहाँ पर लगेंगे, लाल लाल फूल, गुलाबी रंग का, हल्का गुलाबी, उसका तासीर ठंडा होने की वजह से और स्वाद कसैला होने की वजह से वह पीलिया और बवासीर और लीवर और किडनी के सूजन पे भी उपयोगी होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो पौधा जितना ही फायदेमंद होता है तो उसका कुछ नुकसान भी होता है। तो इसका नुकसान यह है कि इसके दूध से आंखों को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि आंखों के लिए यह हानिकारक है, जहरीला है, विषैला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ यह दूध आँखों के लिए हानिकारक है, वहीं अगर पैरों में मार लग जाए, खून बहने लगे या कांटा लग जाए या फिर पत्थर से मार लग जाए या फिर कोई पुराना लोहा कील चुभ जाए या फिर किसी कारण से पैरों में मार लग जाने की वजह से खून निकलता हो, तो अगर इसका दूध उस जख्म पे लगाया जाए तो खून बहना बंद हो जाता है और दर्द में भी आराम मिलता है और टिटनेस होने का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों, जानकारी को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह नागफनी का पत्ता बहुत ही आयुर्वेदिक औषधियों से, औषधि गुणों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, मैं जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आपको भी और कुछ बताना चाहता हूँ। यह नागफनी का पत्ती का चटनी बनाकर चर्म रोगों पर लेप करने से चर्म रोग, किसी भी तरह का त्वचा रोग हो, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक औषधि है, इन्फेक्शन को रोकने वाला औषधि है। तो दोस्तों, देखिए इसमें कांटे बहुत लगे हुए, मैं इसे छू नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, ये जो दिख रहा है फनी, इसी को फनी बोला जाता है और नाग के जैसा है, इसीलिए नागफनी बोला जाता है। तो ये नागफनी को तोड़कर, इसमें कांटे बहुत लगने का डर है, बहुत तेज जलन होता है इसका कांटा लगने पर, इसे तोड़कर आग में जलाकर, जलाने के बाद इसे चाकू से बीच से फाड़ लीजिए। फाड़ने के बाद इसके अंदर गुद्दा निकलता है, उस गुद्दे के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। तो ये जो निकलेगा, इसे बीच से फाड़ेंगे तो दो हिस्से में बढ़ जाएगा। तो इस जब दो हिस्से में बढ़ जाए तो इसके अंदर हल्दी, चूना और कत्था और सरसों का तेल, ये तीनों चीज़ों को पकाकर इसके पत्ते समझ लो, यही पत्ता, इसके पत्ते के ऊपर लेप करने के बाद इसे आग में गर्म करना है। गर्म करने के बाद कैसा भी दर्द है, घुटने का, अर्थराइटिस का दर्द है,
तो उस दर्द के स्थान पे या चोट मोच या कैसा भी दर्द, किसी भी तरीके से दर्द है, उस दर्द के स्थान पे इसे बांध दीजिए तो आपका दर्द जो है धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यहाँ से आप दर्दों का इलाज कर सकते हैं। और ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब इसे आप बीच से फाड़ेंगे तो इसके अंदर गुद्दा निकलेगा, लसलसा पदार्थ था, गुद्दा निकलेगा लसलसा सा, जैसे एलोवेरा को फाड़ने के बाद उसके अंदर निकलता है पेस्ट, उसी तरीके से इसे फोड़ने के बाद इसके अंदर पेस्ट निकलेगा। ये देखिए, यहाँ फाड़ने के बाद पेस्ट निकलेगा इसके अंदर, बहुत हल्का सा पतला सा पेस्ट निकलेगा, बहुत कांटे हैं इसलिए मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। तो उस पेस्ट को आयुर्वेदिक औषधि में इस्तेमाल किया जाता है शक्तिवर्धक के रूप में। एलोपैथिक के अनुसार उस पेस्ट के अंदर विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन बी कम्प्लेक्स, जो पेटों को फायदा देने का काम करता है, पेटों को ठंडा रखता है, और विटामिन 1 जो है वो दिमाग को तेज करता है। तो इस तरह से अंदर का जो गुद्दा है, उस गुद्दे को खाने से पेट साफ होता है, एसिडिटी कब्ज खत्म होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी है, और ए विटामिन ए भी है, विटामिन के भी है, विटामिन ई भी है, और दोस्तों थियामिन, थायमिन, तो दोस्तों और भी प्रोटीन विटामिन इसके अंदर है, फोलिक एसिड भी है इसके अंदर। तो दोस्तों और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इस कांटे वाले फली को सुखाकर, सबसे पहले इसे साफ कर लीजिए, सुखाकर पीसकर इसका चूर्ण बना लीजिए। उस चूर्ण का डोज है 1 ग्राम, 1 से लेकर 2 ग्राम पानी के साथ इस्तेमाल करने से लिकोरिया, प्रदल, बवासीर जैसे बीमारी का रामबाण औषधि है। जिन भाई को लिकोरिया समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं ये बताता हूँ, जो स्त्री का शिकायत होता है सफ़ेद पानी का बहना, उस रोग को लिकोरिया कहा जाता है। तो दोस्तों यह पौधा एंटीसेप्टिक होने के कारण इसके पत्ते को पीसकर सड़े गले पीप मवाद निकलने वाले घाव को साफ करके उस घाव के जख्म में अगर इसका पेस्ट, इसका नागफनी का पेस्ट भर दिया जाए तो वह घाव बहुत जल्दी सूखने लगता है। तो दोस्तों यह पौधा है तो बहुत काम का, लेकिन खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर के सलाह के साथ इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह जितना फायदेमंद है तो थोड़ा इसमें विषैला प्रभाव भी है। स्वयं इसका उपयोग न करते हुए किसी अच्छे डॉक्टर या नज़दीकी करीबी डॉक्टर से मिलकर ही इसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें। तो दोस्तों और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इसके चूर्ण को इस्तेमाल किया जाए तो 1 से 2 ग्राम तक चूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर रस इस्तेमाल किया जाए तो 5 ml से लेकर 10 ml तक आप इसके रस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप खुद अपने हाथों से किसी भी आयुर्वेदिक दवा हो या एलोपैथिक दवा हो, खुद से नहीं लेना चाहिए, किसी न किसी डॉक्टर के सलाह के साथ ही लेना चाहिए। इससे ये होता है कि आप क्या खाए क्या नहीं खाए इसका मालूम मात होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ आपको होता है तो दवा देने वाला उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा दवा दे सकता है, और यदि खुद ही आप अपने हाथों से खा लेंगे, अगर कुछ आपको हो गया तो कौन बताएगा कि आपने क्या खाया है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको यह पौधा दिखा रहा हूँ और इस पौधे की खासियत बता रहा हूँ और पहचान दिखा रहा हूँ, तो इसे पहचान लीजिए, जान लीजिए। यह नागफनी यहाँ अकेला ही नहीं है, इसके बिरादरी के, इसके जाति के, इसके प्रकार के और भी नागफनी के कई प्रकार होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे थोहर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह भी नागफनी के प्रकार है और यह भी नागफनी के प्रकार है, इसे थोहर कहते हैं, इसे भी देख लीजिए, पहचान लीजिए। और दोस्तों पहचान लीजिए, देख लीजिए, एक यह भी नागफनी का ही प्रकार है, इसे भी थोहर कहते हैं, और ये तो दिख ही रहा है थोहर की जैसा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में जान चुके, इसे पहचान चुके। तो अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा यह बताना, जानकारी देना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पहाड़ी आयुर्वेदिक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।